आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कई खिलाड़ी चेन्नई पहुंच चुके हैं और मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए 5 बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या है 5 बड़ी अपडेट्स। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 का सीजन 31 मार्च से शुरू हो रहा है। पहला ही मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को खेलना है। 31 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का प्रदर्शन पिछले सीजन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। अब यहां से चेन्नई की टीम वापसी करते हुए एक बार फिर से खिताब जीतना चाहेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। ये टीम 4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये टीम और भी खतरनाक बन जाती है। आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और ये टीम एक प्रबल दावेदार बनकर मैदान पर उतरने वाली है। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी 5 बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं अपडेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर पहली अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर के। स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई पहुंच चुके हैं, वो ट्रेनिंग कैंप का भी हिस्सा बन चुके हैं। आपको बता दें फ्लेमिंग के आने के बाद इसका फायदा युवा खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पहुंचने वाला है। यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है शिवम दुबे को लेकर के। शिवम दुबे को कुछ समय पहले घरेलू क्रिकेट में चोट लगी थी, लेकिन अब शिवम दुबे पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। वो नेट्स में बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी का अभ्यास भी करते हुए नजर आए। शिवम दुबे का पूरी तरह से फिट होना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मानी जा रही है। यहाँ पर तीसरी बड़ी अपडेट है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के। चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई पहुंच चुके हैं और अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले 2 सीजन से चेन्नई के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आईपीएल 2021 में उन्होंने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा किया था। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वो नेट प्रैक्टिस के दौरान बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए नजर आए। यहाँ पर चौथी बड़ी अपडेट है ऋतुराज गायकवाड़ के बयान के बारे में। आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ ने मथीस पथिराना के बारे में बड़ा बयान दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा है कि मथीस पथिराना आईपीएल 2023 में चेन्नई की टीम के लिए एक्स फैक्टर बन सकते हैं। मथीस पथिराना तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल T20 लीग में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। अब यहां से चेन्नई की टीम उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच माइक हसी ने बड़ा बयान दिया है। माइक हसी ने बताया है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो काइल जेमिसन को रिप्लेस कर सकता है। आपको बता दें माइक हसी के अनुसार श्रीलंकाई टीम के दसुन सनका चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल हो सकते हैं। दसुन सनका एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जो न सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं बल्कि गेंदबाजी से भी कमाल दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार खिताब जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।